मैंने केसरी में गाने नहीं किए हैं, मैंने केसरी में बैकग्राउंड तो गाने आर को उन सब में किए तो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आई थिंक जो जो बैकग्राउंड म्यूजिक कर सका है वो उनके गानों ने भी फिल्म में किया है तो इट्स लाइक अ जॉइंट एफर्ट ऑफ एवरीबॉडी डूइंग और बैकग्राउंड स्कोर एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली हमारा जो भी बैकग्राउंड स्कोर करता है उसका पार्टिसिपेशन जब फिल्म शूट हो जाती है एडिट हो जाती है तब उनको बुलाया जाता है कि अब ये सीन्स के ऊपर हमको बैकग्राउंड म्यूजिक करना है। इस फिल्म में अनुराग सिंह जी जो डायरेक्टर हैं केसरी के उन्होंने मुझे फिल्म के शूट से पहले से इन्वॉल्व किया हुआ था, नरेशन दी थी कि ये स्टोरी है ये, और फिर हमने कुछ म्यूज़िक पीसेज जो बैकग्राउंड स्कोर के पीसेज हैं वो हमने पहले रिकॉर्ड किए और पहले रिकॉर्ड करने पर यह हुआ कि उस पीसेस पे उन्होंने शूट किया उसको लेके जैसे हमने किया था। सो एक तरफ से देखें तो जो डायरेक्टर का इमेजिनेशन था ऑफ ये वॉर ड्रिवन ड्रामा एंड एवरीथिंग को म्यूजिकल कैसे बनाना है उनके दिमाग में था, हम लोग उनके टूल्स हैं जो उनको बता सके कि इसको ऐसे करते हैं इसको ऐसे करते हैं अच्छा ये आइडिया ऐसे कर लेते हैं। बट मैं बिलीव करता हूँ कि डायरेक्टर हैज़ लिव्ड द फिल्म मैक्सिमम राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्शन जो स्टार्ट होता है और राइटिंग एंड एवरी स्टेज पे उन्हें उन्होंने ये चीज़ को निहारा है निखारा है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना एंड फॉर अस बैकग्राउंड म्यूजिक जो हम करते हैं हमें समझना बहुत ज़रूरी क्योंकि हम ये डायरेक्टर्स जब शूट कर रहे होते हैं तो वो शूट करते वक्त भी उनके दिमाग में एक टेम्पो चल रहा होता है कि ओके ये सीन का ये, तो वो उनके दिमाग की चीज़ पढ़ना और समझना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बैकग्राउंड स्कोर करने में क्योंकि देन ही आप वो चीज़ दे पाओगे जो डायरेक्टर को चाहिए। केसरी के केस में आई थिंक शायद ही जो बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं उनके लाइफ में ऐसी एक पिक्चर। ओके अगर बात करें हम यू नो अक्षय कुमार जी की जो 12 फिल्में आपने उनके साथ में की है तो केशव जी के साथ में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, डड्डू जी के साथ में ट्रेनिंग हुई एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी अक्षय कुमार्स फर्स्ट मूवी। एक्चुअली देयर वाज अनदर मूवी दीदार, आई हैड वर्कड ऑन द सॉन्ग्स ऑफ दैट आल्सो विद आनंद महिंद्रा। सो बट दिस फिल्म रिलीज फर्स्ट उसका बैकग्राउंड स्कोर करने का मौका मुझे मिला, सो वी डिड दैट। उसके बाद में कई फिल्में आई जैसे सैनिक, मिस्टर बॉन्ड, कई थी तो जो केशव राम से जी कर रहे थे वो अच्छी ट्यूनिंग हुई, तो एक टीम वर्क था वो कर रहे थे। देन उसके बाद केशव जी प्रोड्यूस कर रहे थे, उमेश मेहरा जी ने सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया उसमें भी, फिर खिलाड़ियों के खिलाड़ी, तो वो खिलाड़ी सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम ऑल दैट। तो उस वहाँ तक तो मैं था ही, फिर बहुत बड़ा गैप है और अब मुझे चांस मिला वापस अक्षय कुमार जी की फिल्म में काम करने का। एंड आल्सो महेश भट्ट जी के साथ में भी आपने बहुत काम किया है यू नो, तो और उनके सॉन्ग्स मतलब ऑलमोस्ट सभी फिल्मों के गाने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किए हैं, तो उनके साथ में काम करने का एक कैसा अनुभव रहा है? मेरी शुरुआत भट्ट साहब और मुकेश जी के साथ में काम करने का, मोहित सूरी की फर्स्ट फिल्म थी जहर, वहाँ से मौका मिला मुझे करने का। उससे पहले मैं महेश भट्ट जी जो है उनके साथ में फिर भी काम कर चुका था क्योंकि हमारी एक एल्बम थी जावेद साहब अलका याग्निक जी और मैंने की थी एल्बम तुम याद आए, जिसमें वो गाना था सारे सपने कहीं खो गए आए हम क्या से क्या, तो वो जो एल्बम थी उस वो गाने का जो वीडियो था वो महेश भट्ट जी ने डायरेक्ट किया, तो हम उस दौरान मेरी पहचान उनसे हुई थी। और उसके बाद मैं कट टू स्ट्रेट मोहित सूरी की जो फर्स्ट फिल्म थी जहर उस पर मुझे मौका मिला एंड वहाँ से जो शुरू हुआ है प्रॉबेबली आई थिंक 10 में से 9 फिल्में उनकी आज तक तब से मैंने की। और मधुर भंडारकर जी भी तो यस, मधुर भंडारकर ऑल्सो इट स्टार्टेड ऑफ विद चांदनी बार, चांदनी बार से जो शुरू किया था उसमें भी उसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। फॉर दैट स्कोर वी गॉट देयर वाज अ रशियन फिल्म फेस्टिवल उस पर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल मिला था। सो चांदनी बार, उसके बाद में वी डिड सत्ता, सत्ता में मैंने गाने भी किए थे जो आशा जी और सोनू जी का गाना था, सोनू जी का गाने का नाम था वो गुनगुनाती है
गीत गाती है जिंदगी, तुम जो आए तो। वो जावेद साहब ने लिखा भी था उनका, तो वो मौका मिला। एंड उसके बाद में मधुर के साथ में कई फिल्में की, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड स्कोर, पेज थ्री, ट्रैफिक सिग्नल, फैशन से आई थिंक ही स्टार्ट वर्किंग विद सलीम सुलेमान, दैट्स द वे इट वेंट। और मैंने फिर उसके बाद में मोहित सूरी की सारी फिल्में की आज तक, जो भी आती सब बैकग्राउंड स्कोर, सिवाय एक फिल्म उनकी जो राज टू थी उसमें गाने भी किए थे, उसमें वो गाना था सोनिया ओ सोनिया। ओके तो कमिंग बैक टू म्यूजिक, यू नो अभी के जो ऑडियंसेस हैं उनका थोड़ा सा टेस्ट म्यूजिक को लेकर चेंज हो गया है, यू नो जैसे लोग रिमिक्स में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, डीजे सॉन्ग्स में, उन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करने लगे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी अपनी ओपिनियन है इस बारे में, रीमिक्स में बिलीव करने लग गए ऐसा नहीं है। मेरा मेरा ओपिनियन ये है कि क्या हो गया कि पहले एक म्यूज़िक डायरेक्टर पूरी फिल्म करता था, तो उसे पता होता था नरेशन वाइज, स्टोरी वाइज, ये है अच्छा गाना ये आ रहा था, हाउ डू वी मेक दैट एल्बम, हाउ डू वी जस्टिफाई एक एक सिचुएशन। और अब क्या हो गया, ट्रेंड ऐसा बदल गया कि एक एल्बम में छः छः म्यूज़िक डायरेक्टर। बहुत सारे, हाँ और एक दूसरा, एक उसके पहले जो ट्रेंड बदला है वो ये कि पॉसिबली द म्यूज़िक डायरेक्टर डजंट इवन नो फिल्म में कहाँ आने वाला है, तो वो उनके गाने सुनते हैं, गाना पसंद आता है तो वो लेके देन दे अडेप्टेड टू द फिल्म, है ना। तो वो थोड़ा सा स्टाइल बदल गया, तो उससे क्या हो जाता है कि एक पिक्चर का एक माइंड उसको डिज़ाइन नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा बिखर बिखरा होता है। और होता क्या है कि आप न्यू कमर्स में क्या है कि अगर एक हिप हॉप गाना लिया किसी न्यू ग्रुप ने, वो म्यूज़िक डायरेक्टर की एक्सपर्टीज वो जोन ऑफ म्यूज़िक में सुपर है, वो मैं नहीं कर पाऊँगा और कोई नहीं कर पाएगा, वो उसमें बहुत अच्छा, बट देन ही इज़ नॉट वर्सटाइल। द न्यू गाइज हैव टू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स बींग वर्सटाइल एंड बींग एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस जस्टिफिकेशन। तो उस पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं देन आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से फिल्म्स का म्यूज़िक वो नहीं रहा जो हुआ करता था, सीन के लिए था, एक्टर्स के लिए था। और इसीलिए मेरे ख्याल से उन्हें हमेशा एक पुराने गाने का सहारा लेना पड़ता है, और वो एक रिमिक्स के तौर पर।